दोस्तों ये था हमारा स्कूल, ये है हमारा स्कूल। मेरे अम्मू की गली थी दोस्तों, ये घर था फिर उधर का घर था। हाँ सेम है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पद्मिनी अमित ब्लॉग्स पे। आज की सुबह हो चुकी है, बहुत जल्दी जल्दी उठ चुके हैं। एक्चुअली हम उठे सुबह से थे, कल मेरी छुट्टी थी संडे, तो जल्दी सोने का ट्राई किए। 2 बजे तक सो भी गए थे, 1:30 बजे तक, है ना जान? 1:30 बजे तक सो गए थे, लेकिन 4 बजे से जो नींद खुली है तो आज हमने दोपहर के 11 बजे तक ट्राई किया, बट नहीं सो रहे हैं, 15 मिनट में उठ रहे हैं। मतलब नींद ही नहीं लग रही है यार, क्योंकि वो बॉडी को आदत हो गई ना लेट सो के लेट उठने की। तो आज 1:30 बजे सोने का ट्राई किया रात को, फिर भी नहीं सो पाए, तो वही 3-4 घंटे की नींद हुई है। आज हम जा रहे हैं हमारे स्कूल में जन, ऑलमोस्ट 2006 है ना, तो उसके बाद तो कभी गए ही नहीं हूं मैं, तो 2006 से 2024 चल रहा है, 18 साल। सोना भी 18 साल के बाद हम जाएंगे अपने स्कूल में, 18 साल, 18 ईयर्स गाइज। 18 ईयर्स में तो बच्चे स्कूल पढ़ के 10th पास होके निकल जाते हैं 16-17 की उम्र में। सोचो 18 ईयर्स के बाद हम लोग स्कूल वापस जा रहे हैं, काम है स्कूल में तो इसलिए जा रहे हैं। तो देखते हैं अगर कोई पुराने टीचर वगैरह मिले तो, मुझे तो नहीं लगता है, सब रिटायर हो चुके हैं, 18 साल हो गए ना, और जब हमारे टाइम पे ही थे तो काफी एज वाले टीचर्स और एक्सपीरियंस टीचर थे, तो मेरे ख्याल से तो सब रिटायर हो चुके हैं जहां तक मैंने सुना है, तो सब न्यू लोग होंगे। तो लेट्स सी अपना काम होता है नहीं होता है। हमारे स्कूल का एरिया भी दिखाएंगे, बहुत ही छोटे से एरिया में हम रहते थे, मलाड ईस्ट के संजय नगर में, एंड बहुत ही छोटा सा स्कूल था उस टाइम पे, बट उस टाइम पे भी वो एरिया का सबसे अच्छा स्कूल था। अभी कैसा है, आसपास बहुत डेवलपमेंट हो गई है, तो बिल्डिंग्स बनी है नहीं बनी है, स्कूल वाला एरिया अभी भी वैसा ही है, लेट्स सी आज जाके देखेंगे। हाँ जान, मजा आएगा, एक्साइटेड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मैं यही टी शर्ट पहन लूँ स्कूल जा रहा हूँ 18 साल बाद, या कुछ नया पहन लूँ, या कुछ नहीं, ऐसा? नहीं ये पहन लो, मैंने तो स्कूल का देखो ड्रेस भी पहना है। जान बोल ना सच्ची में यार। हा? कुछ और पहन लूँ, स्कूल जा रहा हूँ, डर लग रहा है। नहीं यार ये अच्छा है। पहले कैसा यार, जब पास हुए थे तो ऐसा लगता था बस अब कभी स्कूल नहीं जाना है, अब कॉलेज जाएंगे ऐश करेंगे, हाँ, और फिर ऐसा लगता है कि वही दिन अच्छे थे। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब हम पास हुए थे ऐसा लगता था बस यार बस अब स्कूल खत्म, अब कॉलेज अपने ऊपर है, ये हुआ है। बट अब ऐसा फील होता है 18 साल बाद जब आप इस उम्र में होते हो कि काश यार वो स्कूल वाले दिन ही अच्छे थे, वो टीचर का डांटना ही अच्छा था, हाँ यार वो पढ़ना डर डर के पढ़ाई करना ही अच्छा था। आजकल के जनरेशन को तो पता नहीं ये एक्सपीरियंस करने, उनको उनका अलग किक होगा, उनको अलग वे से एक्सपीरियंस करना। हमारे टाइम पे तो फोन्स भी नहीं थे, मतलब फोन आए थे नए नए, मैं 8th या 9th में था तब थे अपने पास, हाँ मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोन था, बट आजकल तो कलर डिस्प्ले टच स्क्रीन फुल गेमिंग फोन है बच्चों के पास। चलो जाते हैं, मिलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं फिर। माय फेवरेट X students coming after 18 years. School chale hum. अरे पेंसिल ली क्या? नहीं रबर लियो। मेरे स्कूल में तो पेन लगता है ना, अभी 5th में हूँ ना। तो मैं कौन सा स्टैंडर्ड में हूँ? आप आते ही खुशबू देख रहे हो? यहाँ जाम, यहाँ की खुशबू। दोस्तों ये हमारे स्कूल का बोर्ड। हाँ यार गली हो गई। ये बैग नसीब का भी घर है ना यहीं पे। हाँ। और ये पूरा रोड था, आप गली हो गए इधर। एक्चुअली ये तो छोटा कर दिया है ना। सीरियसली यार बाप रे बैग हो गए तो बस जानो दिन ही आ रहा है, ऐसे चल के जाते थे रोड पे बारिश में, हाँ। नहीं जाना है स्कूल, नहीं इधर से ये सब रास्ते आ रहा है। कॉर्नर में अपना स्कूल है, हाँ जा क्या बोलेंगे यार किससे मिलेंगे चल के, देखते जो मिलेगा। स्कूल जाने को नर्वस है। कितना बदल गया है बे, ये लेन थोड़ा ऐसा सेम लग रहा है बट ठीक है। फिर इधर आगे जाते थे तो वो उधर निकलता था ना, गोकुल धाम संजय गांधी नगर में। अभी भी यहाँ के बच्चे लोग वैसे ही है टपरी।
सीधा घुस रहा था वो मेरे जान मुझ पे। हाँ ओह दोस्तों ये था हमारा स्कूल, ये है हमारा स्कूल एक्चुअली। हाँ बाजार भी चले जाऊंगा। अम्मू इस रास्ते से आता था, ये वाले रास्ते से बंद है ना अभी भी। ओह अम्मू इस रास्ते से आता था और मैं इस रास्ते से। मेरे ख्याल से ठोकना पड़ेगा जान, नहीं ठोकना पड़ेगा। बंद है क्या स्कूल? हाँ वही तो। नारायण है? अच्छा नारायण है तो फिर सही है। ऐसा कैसा स्कूल है, ठोकना पड़ रहा है। हाँ वो तो है। टेंथ का ना क्लासरूम था। हमारे ऑफिस है स्कूल का। एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ पे मतलब हम लोग पीटी वगैरह करते थे। और वो नारायण काफ़ी पुराने, वो काफ़ी ज़्यादा। ही स्टिल देयर यार, स्टिल वॉकिंग। सही है। फीस देखो दोस्तों कितनी हो गई है अभी। पहले कहाँ 250-200 रुपीस फ़ीस हुआ करती थी। दोस्तों हम लोग इस तरफ जा रहे हैं अम्मू का बात मत करके, तो यही रास्ते से मैं आती थी। हम लोग सोच रहे एक राउंड मार ले। हाँ आई थिंक बंद हो गया। यहीं से आती थी मैं। ओह हाँ यार पूरा पैक हो गया। ये वाला था लेन। पक्का? हाँ पक्का। हाँ ऐसे ही था ये ऊपर चढ़ा। ये या वो था? वो नहीं था जानी, ये था और बाजू में एक घर था। यहाँ से तुम आती थी, मैं उस तरफ से आता था जहाँ। बंद हो गया यार। क्या यार 18 साल हो गए। वही तो, कितना चेंज हो गया। बहुत सारी चीजें सेम है बट बहुत कुछ बदल भी गया है। चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। बाहर आ गए दोस्तों हम लोग। क्या बोल रहे हो? यहाँ बेकरी से पाव लेते थे। तुम वहाँ रहती थी ना रोड पे? हाँ, हाँ, हम लोग यही रहते थे। मस्जिद से अंदर जाएंगे तो चले क्या? चलो मस्जिद से अंदर चलो देख लेते हैं। अम्मू भी कहाँ पे रहता था। हम लोग वहाँ से यहाँ आते थे लेने के लिए बेकरी से सामान। यार सब कितना चेंज हो गया, बचपन के दिन अलग थे यार। हाँ, वो तो है। हम लोग मतलब यहाँ पे आना तो बहुत ही कम होता था। ये एक डॉक्टर है सरोज करके, इसके पास मैं एक दो बार आई हूँ। और ये जान ये गली में रहमानिया के बाजार है, इधर वो रहता था रामानंद। अच्छा यहाँ पे भर भर के ना खाने के आउटलेट्स हैं एकदम बहुत ज्यादा। ये देखो यहाँ पे भी यार, मगर वो अभी बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा है। पूरी जिंदगी यही रही है समझो बड़े होने तक, 22-23 साल तक। देखो ये गली से भी आते हैं, उधर घूम के भी आते हैं। हाँ घूम के चलो ये गली से। अभी गली सेम रहेगी या नहीं क्या पता ना। आई हूँ इस तरफ जान उसके घर पे। ये मंदिर है ना? हाँ मंदिर के वो साइड वो सब लेता अपना प्रदीप आशीष रवि। यहाँ पे था शगुफ्ता का घर ऐसे लेन में। बाप रे कितना लेन 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 है ना ये गली। इधर पे वो ऐसा ही था, वो अभी भी है। तुम्हारा एरिया? हाँ बचपन गया है भाई, नदीन करता इधर ही करता। अच्छा बचपन निकला है। ये वाड़ी थी साइड में लेफ्ट में, अभी तक नहीं है वाड़ी। हाँ, सब हाँ। घर बन गए उसमें और लोगों ने क्या बनाया देखो, दो दो बड़े बड़े। हाँ तीन तीन माले के घर बना लिए। एक साइड पूरा मैदान था, एक साइड घर। कंपनी बन गई है आई थिंक। ये तुम्हारी गली थी? नहीं ये नहीं, ये छोटी वाली। हाँ यही है जान, यही थी। हाँ ये मेरे अम्मू की गली थी दोस्तों। ओ हाँ यही थी बराबर। मीटर वाला देख के जाएंगे अंदर। चलो घर भी दिखा दो, कौन से घर में रहते थे। अलग अलग घर।
मैं जहाँ पे बचपन में रहती थी ना, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो चेंज हो चुका है, वहाँ बिल्डिंग बन चुके हैं अब। ये घर था, फिर उधर का घर था। हाँ सेम। अच्छा सही है, मेरा अम्मू यहाँ रहता था दोस्तों पहले। टाइम चेंजेस। हाँ करना है हाय बाय तो कर लो ना। हाँ तुम तो शर्मीले। सही बात है। वो आंटी अभी तक है जो साइड में रिक्शा करता है। अपने को बाहर निकलने मिलेगा, शेयरिंग रिक्शा मिलेगा स्टेशन के लिए थोड़ा चल के। ठीक है विनीता का पालनगर भी बताता हूँ। अगर वो देखती होगी तो देख लेगी अपना भी पुराना किला। ऐसा हो गया यार पूरा एरिया। बट बहुत सारी चीजें ऐसे लग रहा है जैसे सेम ही है ना। सेम है, सेम वही मैं मोस्टली चीजें सेम लग रही है कि बाहर कितना डेवलपमेंट हो गया है बट एरिया वैसे ही है, बस ये मैदान में और घर बन गया। ये तबेला था ये। अच्छा ये तबेले का गोबर जमा होता था। हाँ ये उसी लिए बनाए थे, तबेले के गोबर के लिए भी भर दिया। आइट लोग है तो पाल नगर, ये पाल नगर और पिंपरी पाड़ा ऊपर। अच्छा तो लेफ्ट जाओगे तो बाहर बाहर मलाड से मलाड पाल नगर जाना है। पाल नगर और अंदर नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, इतना भी नहीं घूमना है वो भी इतनी धूप में। स्कूल देख के ही मजा आ गया, स्कूल जैसा था ना वैसे ही है, वैसे ही है, बस थोड़ा कलर वलर किया हुआ है, बाकी जैसा था वैसे ही है। वो दीक्षित सर को और राहुल सर का फोन आया। हाँ वो लगता है कैमरा में से देखे होंगे ना, तो बोले अरे वो बच्चा है उसको ये चाहिए। A few moments later. निकल गए कुछ काम है वो निपटा के और आशु के बाबू को देख के आते हैं, बीमार है ना तो ऐसा मन करता है कि उससे मिलते रहो देखते रहो, अच्छा लगता है। मेरे सोनू को भी अच्छा लगता है उससे मिल के। फिलहाल मेरे को हिचकी बहुत आ रही है। वही याद करता होगा तो पता नहीं, देखते हैं। मैंने उसको एक चीज सिखाई थी दोस्तों, देखते उसको याद रहती है क्या। हेलो हाँ बाबू कहाँ पे हो? ये हमारे यहाँ का चाइनीज भेल है जो आशु को बहुत पसंद है, हमने सोचा कुछ तो नाश्ता करते हैं तो फिर लेके भी आ गए। ये देखो कैसे परेशान कर रहा है हम लोगों को। बच्चे नहीं खाते तो आशु के घर से निकल गए घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सब। अभी पता नहीं कौन कौन सी जगह पे पहुंच गए हैं, बट अगर कोई देखता होगा वीडियो तो उसको शायद थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील होगा अपना वीडियो देख के, स्कूल देखते होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग को तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी पुरानी चीज देखे 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 बाकी लोगों को भी फीलिंग होगी तो अच्छा लगेगी। थैंक यू सो मच 16,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, 16,000 हो गए अपने 16,000।